कैसे लगा? ओ डॉगी डॉगी खोलते हैं। इतनी ज्यादा खुशी हो गई ना भाई साहब जी। हम अपने गुफी 2.0 का सारा सामान ले आए हैं। रो क्यों रही है? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। बढ़िया ही होने चाहिए गाइस। आज का ये सीन होने वाला भाई, आज मैं सांची को एक देने वाला हूँ बहुत ही बड़ा सरप्राइज। मतलब उसके लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है। अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तो सांची के घर पे, तो उसकी मम्मा से मेरी बात हो गई है, तो उसको मैंने बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना है कि मैं उसे सरप्राइज दे रहा हूँ। एंड गाइस, आप में से कोई भी ये गेस नहीं कर पाएगा कि उसे मैं क्या सरप्राइज देने वाला हूँ। आपको भी अभी नहीं बताऊंगा, पहले यहाँ से चलते हैं। रास्ते में आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा, तो चलो। तो गाइस, अपने घर से मैं निकल चुका हूँ भाई। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा होगा। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला इस बारे में। अभी सीधा सबसे पहले चलते हैं भाई सांची के घर पे। वहां पे जाके भाई आपको सब कुछ बताता हूँ इसके बारे में। गाइस, फाइनली मैं सांची के घर पे आ चुका हूँ और उनकी मम्मा ने पकड़ा हुआ भाई हमारा डॉगी। तो अभी खोलते हैं। So guys, आप लोगों को पता ही होगा जॉब हंटिंग कितना टायरिंग प्रोसेस है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, अगर आप घर बैठे बैठे फ्री टेस्ट देकर अपनी मनपसंद जॉब पा सके तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोगों को ये एक रैंडम एडवर्टाइजमेंट लग रही होगी, बट एग्जैक्टली ऐसे ही जॉब्स लिए हैं निशा, सार्थक, शुभम और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। ये सब री लेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स हैं जिनकी अपनी अपनी स्टोरी है। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया, वो भी री लेवल के जरिए। ऐसे ही सार्थक ने कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया, वो भी री लेवल के थ्रू। शुभम ने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर रीस्टार्ट किया री लेवल टेस्ट देके। एक टेस्ट और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपना करियर सही ट्रैक पर लाना है तो री लेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200 प्लस कंपनीज हायर करती हैं री लेवल से और आप एलिजिबल हो इसके लिए इंडिया में कहीं से। और तो और प्लेस कैंडिडेट्स को गुडीज मिलते हैं री लेवल की तरफ से। इनमें से हर मंथ टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्राइजेस में। री लेवल ने अब तक 30 करोड़ वर्थ के जॉब डिलीवर किए हैं ऑल ओवर इंडिया। लास्ट मंथ ही 36 लाख वर्थ जॉब डिलीवर हुए हैं डेली। एंड इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। कुछ दिनों पहले ही री लेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर कैटेगरीज लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अब आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट देकर जॉब पा सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। सो गाइस, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करियर का स्टार्ट ही करियर की पूरी जर्नी डिफाइन करता है। अगर आप भी इंडिया के टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अपनी मनपसंद जॉब करना चाहते हैं तो अभी जाओ री लेवल पे साइन अप करो। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स, तो चेक इट आउट टुडे। हाय सांची। तो भाई इसका रिएक्शन देखो बस अब। तो गाइस, ये थी वो चीज़ जो मैं आपसे छुपा रहा था अभी तक। तो गाइस देख रहे हो, आराम से टक भी मार देगा ये। तो गाइस आपने देखा होगा मेरा 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रहा था, तो स्पेशली ये चंडीगढ़ से मंगाया हुआ सांची के लिए। तो आज आया हुआ ये तेरा है, तो तुझे क्या लगा मेरा तेरे लिए लिया? देख रहे हो गाइस, देख रहे हो प्रेम रतन धन पायो। कैसा लगा? रो क्यों रही है? कुछ भी होता रो देती है। ये है गुफी 2.0। रो क्यों रही है? ठीक है, आज से इसका नाम है गुफी 2.0। रो मत, आंसू साफ कर। तो देख रहे हो गाइस, कुछ भी होता ना बस ये रो देती है, रोने लग जाती है। कैसा लगा वाले तक? चल तू ये बता, है प्यारे। रो क्यों रही है? पागल हो गई है क्या? ये है हमारा गुफी 2.0 जो कि लिया हुआ मैंने सांची के लिए। देख रहे हो गाइस, स्पेशली सिर्फ इसके लिए लिया क्योंकि आपको तो पता ही, आप में से काफ़ी लोगों ने इसकी वीडियो देख ली होगी क्योंकि उस वीडियो में जो रोई थी ना,
और फिर बताओ मेरे को लगा मेरा है, तो अगर मेरा तो मैं तेरे घर पे क्यों लेके आता मिलवाने। तो देख रहे हो गाइस, ये इसने दो दिन लगा दिया आने में। तो गाइस ये मैंने स्पेशली बुक करवाया हुआ था, जिस दिन मैंने इसकी वीडियो देखी उसी दिन मैंने ये बुक करवा दिया था, और ये स्पेशली चंडीगढ़ से आया हुआ है। और ये मैं सुबह 5 बजे गया हुआ था लेने के लिए यहाँ पे आके। कैसा लगा? ओ गूफी की मैंने सारी वीडियोज़ देखी, जैसे तेरा गूफी है ना एकदम वैसा है। मुझे पता तू गूफी को बहुत मिस कर रही थी ना, है ना, मेरे को तेरी वीडियो पर दिख गया था। आ गया ना तेरे लिए गूफी, ले आया ना मैं। तो इसका नाम गूफी ही रखेगी तो क्या रखेगी? गूफी 2.0 सेम है ना। आप हर बात पर रो क्यों देते हो? खुशी के आंसू से गाइस। बड़ी जल्दी याद आया तेरे को? हाय गाइस, इतना प्यारा सा जीवा सामने ले आए। गाइस कमेंट में जरूर लिख देना कि ये क्यूट है कि नहीं है हमारा गूफी 2.0। हमारा एक और न्यू फैमिली मेंबर आ चुका है हमारे व्लॉग में, आपको ये दिखता ही रहेगा। खास करके साजी के व्लॉग में आपको ये दिखता ही रहेगा भाई हमारा गूफी। गाइस अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, अभी गूफी को लेके जाने वाले हैं, यहाँ पे पास में एक डॉक्टर है ठीक है, वहाँ पे चलते हैं, गूफी का थोड़ा सा सामान लेके आते हैं ठीक है, इसके खाने पीने का भी, और डॉक्टर को भी दिखाना है कि इसको क्या क्या देना है खाने के लिए, मतलब सब कुछ पूछना है। और उसके बाद पार्टी तो भाई साजी तू देगी ठीक है, मंजूर है? तो चल चलते हैं। तो गाइस चलो, देख रहे हो गाइस इसकी खुशी देख रहे हो? तो गाइस अभी हम नीचे आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई डॉक्टर के पास, क्योंकि इसको सुबह से भाई खाना वाना भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए खाना भी लेके आएंगे। इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना भाई साची यार, बस मैं यही चाहता था, यही स्माइल चाहता था कि बस ऐसे ही हंसे ये इसको देख के। तो गाइस फटाफट चलते हैं, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। तो गाइस फाइनली हम अपने गूफी 2.0 का सारा सामान ले आए हैं, ये साची ने पसंद किया भाई इसके लिए कॉलर, ये वाला ब्लू कलर का, तो इस पर तो बहुत अच्छा लगेगा, ये भी लगाएंगे इसको अपने गूफी को। एंड गाइस खाने के लिए इसका सारा सामान जो भी होता है तो वो हम ले आए हैं, देख सकते हो आप भाई, इसको देखो ये कैसे सोया हुआ है, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्या कर रहा था ये? तो इसके लिए भी मैं खाना बना रहा हूँ, दवाई भी बोली है इसको खाने में देनी है। इसने खाना बना तो थोड़ा बहुत खा लिया हुआ है, और थोड़ा बहुत इसका बचा हुआ है इसलिए हमने वहाँ पे रखा हुआ है। और सांची सांची तुम क्या बना रही हो? आइस टी बना रही हो? और गाइस चेक कर रहे हो भाई खाने के लिए, सांची ने पता नहीं क्या क्या मंगा लिया, क्या क्या मंगवाया सांची? ओह माय गॉड। अच्छा मेरे को एक चीज तो बता दे, क्या तूने कभी सोचा था कि आज ये होने वाला है? नहीं सोचा था? कैसा लगा सरप्राइज? मजा आया। मेरा कोई प्लान नहीं था तेरे को डॉग देने का, लेकिन जब मैंने तेरी वो वीडियो देखी ना, वो तेरे आंसू रियल वाले थे ठीक है, और जब मैंने देखा ना मेरे को कसम से इतना फील हो रहा था ना, मैंने उसी दिन बुक करवा दिया था पता है कुत्ता। ये 2 दिन के बाद आया क्योंकि चंडीगढ़ से आना था ना, तो आज सुबह आया था और मैं 5:30 बजे इसको लेने गया हूँ जीवल में, और वहाँ से वापस लेके आया था। तो तेरी मम्मा को मैंने पहले बोल दिया था, तो तेरी मम्मा तो पहले बोल रहे थे वो बहुत खुश हो जाएगी, वो तो पागल हो जाएगी खुशी के मारे, वो आगे गूफी को इतना याद करती है, इतना याद आ रहा था तेरे गूफी है, छोटा गूफी आ गया ना पूरी, कभी इधर बैठ रहा है कभी उधर बैठ रहा है, बस ऐसे हंसते रह गए यार तू। तो गाइस अभी ना प्लीज़ थोड़ा हमें टाइम दे दो आप, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी फटाफट हम खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं। क्या बोलती है? स्वादला है ना। तो गाइस ये है टाको, ये नॉनवेज है ना? हाँ तो गाइस ये टाको है, ये नॉनवेज होता है, तो ये मैंने पहले ही खाया हुआ है 1-2 बार, बट मैंने वेज खाया था, बट इस बार इसने नॉनवेज मंगवाया, और वो है गार्लिक ब्रेड। तो गाइस आप भी मंगवाओ, आप भी खाओ, बहुत ही स्वादला है। अब आपकी तरफ से बहुत सरप्राइज हो गया, मेरी बारी है। अच्छा मुझे एक चीज बता, तूने बोला था 100K पे मैं भी सरप्राइज दे रही हूँ, अब तो मेरे 150 हो गए। 100K का देना था ना, बट वो उस दिन उन्होंने वहाँ पे बुला लिया, फिर मेरे को कपट हो गया। जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना इसको उतना कम है। तू मत बोल थैंक यू यार, इतना तो कर ही सकता हूँ यार सांची के लिए, है ना गाइस? है ना गाइस? इसी बात पे लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। आपको मैं एक चीज़ और बोलने वाला हूँ कि जो हमारा कल का व्लॉग होने वाला है, मतलब हमारा नहीं सिर्फ मेरा, जो मेरा कल का व्लॉग होने वाला ना भाई वो ज़रूर देखना, कल का व्लॉग मिस मत करना, कल आपको कुछ अलग दिखने वाला, बहुत ही खतरनाक दिखने वाला है। तो इसको तो कोई आइडिया नहीं है और इसको पता भी नहीं चलेगा वो क्या चीज़ है ठीक है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो कल का व्लॉग मिस मत करना। तो गाइस इसी के साथ में आज का व्लॉग एंड करता हूँ, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं।